हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर आपका। दोस्तों बड़ा ही प्लेन एंड सिंपल सा लेवल है, आगे चलते जाओ और पार कर जाओ। अरे वाह, काफ़ी सिंपल है। मैं आया बटन के ऊपर, जंप्स और कंट्रोल्स थोड़े से क्लची से हैं यार इस गेम के। और मैंने काफ़ी क्या है कि आजकल पजल गेम्स के ऊपर कंसंट्रेशन कर रखा है। ओह मर गया भाई, मतलब मैं आपसे बात ही करता रह गया और ये मेरा जो बंदा है हड्डी मैन बेचारा मर गया। दोस्तों तो काफ़ी पजल गेम्स खेल रहा था, उसमें ये भी एक दिखा मुझे। मैंने कहा लो ट्राई करते हैं, ट्राई मोर, मतलब ये कुछ कुछ ट्रिकी कैसल की तरह है बट कुछ। अरे यार ये क्या है, मर गया। जब मरने के बाद भी ये इसमें दोस्तों एक नई चीज़ है कि यार जहाँ पे मरता है वहीं पे उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है। ओ मतलब 5-6 बार जब मैं जाऊँगा बटन पर तब हो जाएगा। काफ़ी ईजी है यार ये लेवल, हार्ड नहीं है ये गेम। इसके जो थोड़े ग्राफिक्स हैं वो थोड़े से ऐसे हैं, डरावने से हैं। और जो कंट्रोल्स हैं यार दोस्तों वो इतने इजी नहीं है। इसके कंट्रोल्स थोड़े से मतलब है यार, मतलब फेवरेबल कंट्रोल्स तो नहीं कर सकता मैं जितनी जंप की कोशिश कर रहा हूँ उतना इजीली जंप ले नहीं रहा है यार ये। प्रेस, ओ मैं बटन दबाया हाथ से वो प्रेस हो गया। वाह बैक, पीछे जाना है। अरे वाह यार, काफ़ी मतलब गेम तो काफ़ी ईजी लग रहा है यार ये अभी तो। मैंने काफ़ी लोगों को खेलते हुए देखा ये गेम, तो मुझे लगा कि यार अपन भी कर सकते हैं इसको। ट्राई डाइंग, मरने की कोशिश करो। वाह मर तो गया ये, अब क्या कह रहे हैं, मर के बस ऊपर से निकल जाएंगे। दोस्तों आप मुझे काफ़ी नए नए वीडियो बनाने के लिए टैग कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए कौन सा गेम नहीं खेलना चाहिए। डोंट टच इट, टच नहीं करना, ठीक है चले जाते हैं आराम से। काफ़ी ईजी गेम है यार ये, इतना मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे। ठंड आने शुरू हो गई है दोस्तों, आप लोगों का क्या हाल चाल है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि मुझे अब कौन सा नया गेम खेलना चाहिए। मैं GTA ट्राई करूँ या कुछ और ट्राई करूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाए। जस्ट प्रेस हार्डर, अब समझ नहीं आ रहा ना क्या प्रेस हार्डर क्या, मतलब ज़ोर से थोड़ी दबा दूँ स्क्रीन को। इसके ऊपर भी खड़ा हूँ इतनी देर से तो भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या हिंट लेके देखता हूँ यार, और तो क्या ही करूँ। हिंट में ऐड दिखा रहा है यार, पेड वर्जन नहीं होने का ये नुकसान है। वही करता हूँ यार, थोड़ा वापस से जोर से दबा के देखता हूँ एक बार। जोर से दबाऊँगा तो खैर हो जाएगा। हो जाए यार, हो ही नहीं रहा भाई ये तो यार। कैसे करूँ, मतलब ऊपर से कूद के देखूँ इस बटन के ऊपर। अरे वाह हो गया यार, हो गया। इस गेम में भाई कौन सा लॉजिक कब चल जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस चल रहा है। शैम्बलर्स, ये क्या होता है भाई, इसका तो मतलब ही नहीं पता भाई। कंट्रोल चेंज हो गए हैं, आगे वाले बटन से जंप ले रहा है, पीछे वाले बटन से आगे जा रहा है, जंप वाले बटन से आगे चल रहा है। भाई ये होता है क्या शैम्बलर्स। अरे यार क्या ही समझ में नहीं आ रहा भाई, अब तो कुछ कैसे कैसे लेके कैसे जाऊँ इसको आगे। इतना कंफ्यूजन है कि बना हुआ कुछ और सिंबल है और कैसे ही करूँ। करते करते कोशिश करते हो जाएगा यार। पजल गेम्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और मैं सोचता हूँ कि ये जो छोटे 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 ट्रिकी और पजल गेम्स होते हैं, बड़ा फ़न होता है यार इन गेम्स में। मतलब आप ये गेम आपको लेस देन 50 MB के अंदर प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं। दे आर फ्री टू प्ले और आप इनको अच्छा खेलोगे, आपको लगेगा यार 5-7-10 लेवल के बाद में थोड़ा मज़ा आना शुरू होता है आपको इन गेम्स में। अप्रॉक्स मैंने भाई प्ले स्टोर पर, आप ज़्यादा भी नहीं मानो तो 2500-3000 गेम्स जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उनको मैंने खेल के देखा है यार। और मुझे पता है भाई, ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ये चीज़, कि पहले गेम्स अच्छे नहीं आते थे। इवन आप स्पोर्ट्स गेम की बात करो तो सिर्फ क्रिकेट का ही गेम अच्छा था पहले, और कोई अच्छे गेम्स ना ग्राफिक्स अवेलेबल थे ना कोई लॉजिक अवेलेबल होता था। स्टिक क्रिकेट टाइप गेम आते थे यार, ऑल दो स्टिक क्रिकेट भी काफ़ी फन टू एडवेंचर है, उसके अंदर आपको लगता है कि आप इजीली कर लोगे पर हो नहीं पाता है। अब तो यार फीफा अवेलेबल है, माइनक्राफ्ट अवेलेबल है, ये वो इतने गेम्स अवेलेबल है यार। सिम्युलेटर गेम्स, इतने शानदार सिम्युलेटर गेम्स आ चुके हैं यार मार्केट के अंदर, उसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। अबे खुला ही तो था, वापस ऊपर क्यों चला गया मैं इसके ऊपर। सिम्युलेटर गेम्स और एस्केप गेम्स, भाई एस्केप गेम्स की तो अब जो डिमांड आई है बाजार के अंदर, और जितने एस्केप गेम्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आप यकीन नहीं मानेंगे कि टॉप
जो ट्रेंडिंग एस्केप गेम्स हैं वो आप देखिएगा कि महीने महीनों में उनके लाखों लाखों डाउनलोड्स हैं यार। क्लैश ऑफ द क्लैंस एक अच्छा गेम हुआ करता था, क्लैश ऑफ द क्लैन। अब आजकल COC को लोगों ने खेलना ही बहुत कम कर दिया है यार। हमारे टाइम पे हम लोग काफ़ी COC वगैरह खेलते थे। आप दोस्तों मुझे बताइएगा, मैं आपको हो सक आप लोग ज़रा कमेंट करेंगे मुझे कहेंगे तो मैं आपको मेरा COC का पुराना बेस भी दिखा सकता हूँ। मैंने शायद टाउन हॉल 10 के आसपास उसको छोड़ दिया था खेलना यार। बाकी एक COC अच्छा गेम था पर बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग गया था, तो टाइम कंज्यूमिंग गेम्स भी अपन नहीं ज़्यादा कंटिन्यू कर पाते हैं। रियल क्रिकेट एक अच्छा गेम है यार, रियल क्रिकेट को अपन खेल सकते हैं। और भी जिस टाइप के गेम्स आप चाहते हैं मैं खेलूं मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को देखिएगा। मैं देख रहा हूँ यार रीच तो बढ़ता जा रहा है पर लोग क्या है चैनल को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दो यार, फास्टर फास्टर एंड फास्टर। कितना फास्ट? अरे यार तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए खुल रहा है यार। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के लिए खुल रहा है, इसका तो कुछ ना कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जितनी देर के लिए खुल रहा है ये देखिए। अरे यार बहुत नहीं 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 यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बहुत ज़्यादा वो है यार, ये इतना फास्ट कैसे कर सकते हैं यार, इतना फास्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है यार, या तो कुछ और लॉजिक है या तो कुछ। ये देखिए यार मतलब फास्ट क्या, इतना फास्ट भी कैसे करें। स्किप कर दिया यार वो लेवल मैंने, मुझे नहीं हो पाया, मुझसे आने का कंट्रोल। अरे यार इसमें भी क्या आगे से पीछे भाग रहा है, कंट्रोल ही नहीं आ रहा है। ये गेम इसलिए मुश्किल हो जाता है यार दोस्तों मेरे को ये समझ में आया ये गेम खेलते हुए, किस गेम के कंट्रोल्स बड़े बकवास हैं, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो बंदे को। एक तो ये हड्डी सिंह है भी ऐसा डरावना था यार, सिर्फ अंडा रख के घूम रहा है ऐसा लगता है इसको देख के यार। कहाँ, अरे यार ये तो उड़ रहा है भाई, क्या कहानी क्या है यार इसकी, तो उड़ रहा है लिटरली भाई, उड़ रहा है, गजब यार गजब। अरे वो मैं उस पर क्लिक करना नहीं कर, अरे यार मैं इसको उड़ा के वहाँ तक तो ले गया पर अब क्लिक कैसे करूँ। अरे यार ये गेम फन तो है भाई, इस गेम में फन है पर कितना फन है और कितना मुश्किल है। जस्ट प्रेस पॉज, पॉज बटन दबाऊँ और निकल जाऊँ। देखते हैं पॉज बटन दबा के, दबा दिया पॉज, नहीं निकल पा रहा। अब ये क्या नया लिया है यार इसमें, पॉज दबा तो रहा हूँ, साउंड का ऑप्शन है वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार, कैसे करूँ इसको। ये गेम मुश्किल नहीं है भाई, ये गेम अजीब है, अलग है थोड़ा, इसके कंट्रोल ज़्यादा बेटर नहीं है इसलिए आपको ये गेम टफ लग रहा है। सॉरी। अरे यार क्या ही करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है, क्या वो ऊपर चढ़ के जाके पॉज करूँ उसको ऐसा कुछ। अबे यार माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बैड वेदर, ये तो आगे ही नहीं जा रहा भाई, आगे करने पे पीछे जा रहा है, इतना क्या मौसम ख़राब है। ये यहाँ जब बीच में गिर जाता है ना यार तो यहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल है इसका, ख़त्म भाई, जैसे ये यहाँ गिर जाता है मैं ख़त्म मान लेता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अरे बस गया ये, इन दोनों के जो गैप के बीच में गिरता है ना यार वहाँ पर गिरते ही काम ख़त्म है आपका, बचना आपका मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल है। YouTube चैनल का लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में टैग कर दूंगा, Facebook के ऊपर और YouTube और Facebook चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा YouTube चैनल के ऊपर मेरे फर्स्ट कमेंट्स में, दोनों को मैं पिन कर दूंगा। तो आप दोनों चैनल को लाइक कीजिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपका भाई भी ग्रोथ कर सके यार।
अरे यार ये तो लेवल ही पार करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है यार। बैड वेदर बैड वेदर, व्हाट विल आई डू विद द बैड वेदर यार। कि यहीं से चढ़ूंगा ऊपर, जा ही नहीं रहा भाई, अपने आप पीछे जा रहा है। ओ भाई बचा यार, अब बहुत पीछे आ गया बढ़िया, काफी पीछे आ गया यार। अब तो हो जाएगा, हाँ अब तो हो जाएगा यार। नॉक नॉक, गेट पे जाइए, नॉक कीजिए और निकल जाइए ऐसा। अरे वाह, इसको ट्राई करते हैं अभी, नहीं हुआ। टैप किया, हो गया, सही है भाई। अरे यार कहाँ, ओ भाई बचा बचा यार बचा। चलिए दोस्तों मिलते हैं।